हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपका जरीना फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी ना सुबह का टाइम है, मतलब एकदम सवेरे नहीं है, 9, 9:30 या 10 बज रहा होगा, पता नहीं। तो हम लोग ना कल आटा लेके आए थे, हमारा आटा ख़त्म हो गया था और हम लोग बस अभी उसी को ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं उसको डब्बा में डाल के रख दे रही हूँ। और ये ना एक दो दिन पहले का वीडियो है, अभी का नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है थोड़ा, तो मैं पहले बना के रखी थी वीडियो जिसको मैं डाल नहीं पाई थी, अपलोड नहीं करी थी, तो मैं उसी को आज वो कर दे रही हूँ। और मैं ना उस दिन क्या कल गई थी अस्पताल, फिर वही जांच के लिए दिए थे ना, एक्सरा सब कुछ करा है, तो फिर से टाइफाइड आ गया। हमेशा मेरे को तो बार बार टाइफाइड ही हो जाता है, टाइफाइड और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। टाइफाइड में इतना हालत ख़राब होता है, इतना कमज़ोरी लगता है ना, मेरे को बात करते भी नहीं बन रहा, इतना कमज़ोरी आ गया है मेरे में। और ये वीडियो पहले का ही है। तो अपन लोग आज रिपोर्ट तो दे दिए, दवाई ववाई भी लेके आ गए हैं। अब देखो कितना दिन में ये सब खत्म ठीक होता है। ठीक हो जाता है मेरा टाइफाइड, लेकिन फिर से हो जाता है, यही परेशानी है, बार बार हो जाता है। तो और यहाँ पर ना मैं धो रही हूँ धनिया पत्ती को, और अभी मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। और एक बार ना इस टाइप का आलू बना के देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ना मैं डालूँगी धनिया पत्ती, टमाटर और क्या पीस रही हूँ, लाल मिर्च इसमें पीसूँगी, और बस प्याज भूंजूँगी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। प्याज भूंजूँगी और मेथी पत्ता डालूँगी उसमें, सूखा वाला मेथी या कच्चा वाला है तो ऐसे भी डाल सकते हो, ताज़ा वाला हरा पत्ता। और इसमें ये मिर्ची पीस के डालूँगी मैं, और इसमें अभी टमाटर भी काट के डालूँगी, और ये तीनों चीज़ को पीस दूँगी, और प्याज भूंजूँगी और इसको भूंजूँगी, प्याज हो जाने के बाद इसको डाल दूँगी। और जब ये भूंजा जाएगा ना, तो मैं इसमें ऐसे डाल दूँगी हल्दी, धनिया और नमक, बस तीन चीज़, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें। और इस टाइप का एक बार आलू बना के देखना, आलू की सब्ज़ी। और आजकल ना नया आलू आ गया है, तो नया आलू और अच्छा लगता है, आलू की सब्ज़ी उबाल के आलू को। और यहाँ पे ना मैं आजकल टमाटर का बीजा को निकाल दे रही हूँ, क्योंकि यूरिक एसिड में भी ना टमाटर मटर ज़्यादा खाते नहीं हैं, और इसके बीजा से ना बोलते हैं किडनी ख़राब होता है करके, तो इसीलिए ना मैं भी आजकल जब भी टमाटर काटती हूँ ना, जब जब हो सकता है तब तब इसके टमाटर का बीजा निकाल के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं प्याज काट ली हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, और यहाँ पर बस तेल गर्म हो जाएगा तो मैं डालूँगी यहाँ प्याज, और जब प्याज भुन जाएगा तो यही पीसा वाला मसाला डालूँगी, और बस नमक, हल्दी और मिर्ची तो डाल ही दी हूँ, हल्दी और धनिया पाउडर भी नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी डालूँगी बस, क्योंकि धनिया तो अपन पीस ही दिए हैं ना। और ये आलू को मैं उबाल ली थी, और जब मसाला भुन जाएगा तो मैं आलू डाल दूँगी। तो फिर ना इस टाइप का एक बार आलू बना के देखना मेरे जैसे वाला, मतलब इस टाइप का, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सादा रहता है पर लगता बहुत अच्छा है। और आलू का सब्ज़ी जब भी बनाओ ना, उसमें धनिया, अगर हरी वाली धनिया पत्ती है ना, तो उसको पीस कर डाल देना, तो बहुत अच्छा लगता है, सादा भी रहता है और अच्छा लगता है, एक अलग ही स्वाद आता है। मैं तो आलू अंडा या आलू जब भी बनाती हूँ ना, ऐसे ही बनाती हूँ। आजकल मसाला वसाला वाला ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, मसाला तो मैं ऐसे कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मैं मेथी डाल दी, बस अब ये मसाला डाल दूँगी जब हो जाएगा तो। और यहाँ मेरा भून जा रहा है प्याज, अब हो गया है प्याज, और अब मैं यहाँ पर मसाला डाल देती हूँ। और अब बस इसमें ना वही हल्दी और धनिया डाल देना है। एक बार बना के देखना, जब भी आलू की सब्ज़ी बनाओ ना, एक बार ऐसे बना के देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें बस हल्दी डालना है और कुछ नहीं,
हल्दी और नमक। और हमारा काम वाम तो हो गया है और मैं यहाँ पर बस अभी खाना बना दूँगी जल्दी से। आलू को ना मैं ऐसे काट रही हूँ तो जल्दी जल्दी हो नहीं पा रहा, तो मैं सोची अब इसको हाथ से ही ऐसे तोड़ देती हूँ। और वैसे भी ऐसे तोड़े वाले आलू का ना अलग ही स्वाद आता है, तो ऐसे टूटा हुआ अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरा मसाला यहाँ भुंजा गया है, तो अब बस मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और जब ये सब्जी खाओ ना तो इसमें ना नींबू निचोड़ लेना, बहुत ही अच्छा लगता है खट्टा खट्टा। तो सब्जी में भी डाल सकते हो नींबू, लेकिन अगर नहीं भी डालना है तो बाद में खाते समय ना ऊपर से अपने सब्जी में निचोड़ लेना नींबू का रस, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जा गया है आलू और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी पानी और इसको ना थोड़ा देर अच्छा से उबलने दूँगी। जब तक तेल ऊपर आएगा ना तब तक, सब्जी जब भी बनाते हैं ना तो तेल ऊपर आते तक उबलने देना है उसको, तब इसका खुशबू भी अलग आता है स्वाद भी अलग आता है। और अब बस मैं इसको अपना ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी और जब तक ना मैं इसको यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ ताकि बाद में फिर कचड़ा मत पड़े रहे यहाँ पर। ऐसी जब तक इधर मेरा सब्जी बनता है मैं इसको भी थोड़ा साफ ऑफ कर देती हूँ। अभी नहीं करूँगी ना तो बाद में ऐसे ही पड़ा रह जाएगा ये। आज यहाँ पर ना हैंड वॉश नहीं रखा हुआ है तो मैं इसी से धो दे रही हूँ अपना हाथ। और ये देखो मेरा किचन का क्या हालत हो गया है और अब सब्जी भी हो गया है। और अगर कलर चाहिए ना सब्जी में लाल लाल तो उसमें पीसा मिर्ची डाल सकते हैं। और हाँ ये ना कल का वीडियो है, तो हम लोग अस्पताल आए थे ना वहाँ पे एक्सरे कराने के लिए। और ये देखो मेरा हालत इतना ख़राब था यहाँ पर कि दोपहर में ना जब हम लोग अस्पताल गए थे तो वहाँ से आने में बहुत देरी हो गया था। उसके बाद अपन लोग सोचे कि अभी तो खाना वाना नहीं बन पाएगा तो अपन लोग यहाँ बाहर से ही खा लिए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना और खुश रहना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय।